नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीबीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करने जा रहे हैं कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे आप सभी के पसंदीदा शो सुहागन की। दोस्तों, सीरियल सुहागन के आगे आने वाले ट्रैक में आपको देखने को मिलने वाला है कि दादी करने वाली है कोयल के असली कांड का पर्दाफाश। जी हाँ, दादी की तबीयत में हो गई है सुधार, स्वरा ने कर दिखाया है ये बड़ा चमत्कार और अब दादी को हो गया है स्वरा से बहुत ही ज्यादा लगाव। इसी बीच कोयल को डर है उसके राज का खुलने का, इसीलिए कोयल करना चाहती है स्वरा को खत्म। जी हाँ, जिसके लिए उसने सांप छोड़ दिया है नाग पंचमी के दिन, ताकि सांप स्वरा को काट ले और स्वरा मर जाए। मगर कहानी में आ रहा है जबरदस्त ट्विस्ट, यहाँ पर दादी जो है ना स्वरा को बचा लेती है सांप के काटने से। जी हाँ, या यूं कहें कि सांप खुद ही स्वरा को नहीं काटता है, मगर स्वरा जो है ना सांप से बचने के चक्कर में दादी उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर ये जो स्वरा है ना वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। तो वहीं अब दादी करने वाली है वेदांत और प्रभा के सामने इस बात का खुलासा कि स्वरा के कमरे में सांप छोटे वाला शख्स कोई और नहीं, कोयल थी। आज अगर स्वरा को कुछ हो जाता तो शायद वेदांत को जो है पूरा जीवन इस बात का अफसोस रहता कि उसकी ज़िंदगी में इतनी अच्छी लड़की आई और उसकी बेवकूफ़ियों की वजह से उससे दूर चली गई। और वही आपको बता दें कि यहाँ दादी ने जो है स्वरा को बचाया है और वहीं से दादी की तबीयत में और ज्यादा सुधार आ जाता है। आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर जो वेदांत है ना उसको अब अपनी माँ कोयल पर शक होने वाला है। तो वहीं प्रभा जो है उसके साथ वेदांत की ज्यादा अभी जम नहीं रही है, लेकिन प्रभा पुरुष कोशिश कर रही है कि वो वेदांत के दिल में अपने लिए प्यार जगा सके। अब फिलहाल स्वरा के साथ जो हादसा हुआ है, इस हादसे का सच जानकर वेदांत क्या कोयल से करेगा सवाल और कोयल फिर से बनाएगी कोई मनगढ़ंत कहानी, क्या कहना है आपका कमेंट करके जरूर बताइएगा।